¡Ah! Uh -huh. uh -huh. नाज़्रीन प्रोग्राम जीवन की बातें लेकर आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आप सबको सलाम कहता हूँ मेरा ईमान है कि इन प्रोग्रामों से आपके दिलों को तसली खुशी और बरकत मिलती है अगर आप इन प्रोग्रामों के बारे में कोई राय देना चाहते हैं कोई सवाल है जो आपके ज़ेन में उबरता है कोई दरख्वास्त हुआ या दरख्वास्त है जो आप हमारे साथ बाँटना चाहते हैं तो आप दिए एक नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं हमें आपके साथ बात करके आपके लिए दुआ करके बड़ी खुशी हासिल होगी आज थोड़ी देर के लिए एक और करना चाहता हूँ कि इस दुनिया में रहते हुए दो किस्म के लोगों से हमारा पाला पड़ता और एक तो वो हैं जो दूसरों का रास जो है उसको पर्दे में रखते हैं लेकिन दूसरे वो लोग होते हैं जो बहुत ही मज़े से रास जो है उनको फाश करते हैं अमसाल की किताब जो कि पोइट्री की बुक है फ्रॉब्स सलेमान बादशाह सलेमान ने इसको मरतब किया आ, उसने एक वर्स यहाँ पर हमारे सामने रखी है जो आपके साथ बांटना चाहता हूँ अमसाल की किताब उसके ग्यारह बाप की तेरह आयत उसमें लिखा है जो कोई लुतरापन करता है सॉरी जो कोई लुतरापन करता फिरता है राज फाश करता है लेकिन जिसमें वफ़ा की रूह है वो राजदार है जीवन की बातें जब हम पढ़ते हैं ना तो ये ख़ज़ाना है बाइबल मुक़दस में जो हमें मिलता है जेम्स फॉर लाइफ जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बातें हैं छोटी छोटी बातें एक एक वर्ष में हम देखते हैं तो इतना गहरा ख़जाना मौजूद होता है जैसे कि ये जो कोई लुतरापन करता है रास फाश करता है सो देर इज़ अ टाइप ऑफ़ पर्सन हु डज दिस जिसका काम यही है कि जो इंजॉय करते हैं जूसी गॉसिप को और मज़े ले ले के लोगों की बातें करते हैं वो और उनके रास जो उनको फाश करते हैं उनके बारे में उनकी पीठ के पीछे बातें करते हैं लेकिन उसके बरक्स कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में और वो दूसरी किस्म के लोग हैं जिसमें जिनमें वफा की रूह है वो रास्दार हैं देर गॉडली पीपल और गॉडली में अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छी वर्चू जो आती है वो है खुदा खुदा की खुद खसूसियत कि वो वफादार है वो अपने वादों को पूरा करने वाला खुदा है तो जो उसके पैरोकार होते हैं उनको ही हम गॉडली कहते हैं राइट जो उसकी राहों पर चलना चाहते हैं तो वो जो लोगों की बातें उनको पता भी होती हैं वो उनको बयान करने से हिचकचाहता है लोगों को आ, किसी के बारे में अच्छी हो या बुरी बात वो करने से गुरेज करता है क्योंकि उसमें वफ़ा की रूह है वो राजदार है हम उसको जैसा कि लेना चाहिए ना गॉसिप को इतना सीरियसली लेते नहीं इस माशरे में इस कल्चर में आज की दुनिया में क्योंकि ये एक आम ही सी बात होगी है कि जब कोई हमारे पास होता नहीं हम उसके खिलाफ बातें शुरू कर देते हैं दोस्तों के हलका में चले जाएं, या रिश्तेदारों में चले जाएं, या एक्सटेंडेड जो फैमिली होती है उसमें चले जाएँ सो किसी कज़न के बारे में या किसी माँ के बारे में या चाचे के बारे में या, या या कोई दूरी रिश्तेदार है उसके बारे में जब वो वहाँ मौजूद नहीं होते हम जो मर्जी आए हमारे दिल में हम उनके लिए कह देते हैं और उसमें से बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो शायद सच पर मबनी नहीं होता क्योंकि हमारी अपनी प्रिजम्पन्स होती हैं हमारे अपनी असम्पन्स हैं अपनी बातें है, दिल की बातें है, मफरूज़े हैं जो हम बयान करते रहते हैं जो हम सोचते हैं कि उनके बारे में सच हैं सो आ, अच्छी बात ये होगी कि हम इस बात को समझें कि खुदावंद का कलाम इस बारे में हमें क्या कहता है सो रोमियों की किताब रोमियों का ख़त जो है उसमें हम जाएंगे और देखेंगे खुदा के कलाम में कि इसके बारे में खुदा का बचन हमें क्या कहता है कि खुदा की नज़र में ये जो गॉसिप है इसका क्या मतलब है सो पहला चैप्टर उसकी अट्ठाईस आयत में यूँ लिखा है जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें सो अमसाल की किताब में हमें याद कराया गया था कि गॉडली जो लोग हैं ना खुदा की राह पर चलने वाले लोग वो वफादार होते हैं उनमें वफा की रूह होती है और वो जो है वो राजदार होते हैं लेकिन जो आ, खुदा की राहों पर नहीं चलते ना ये यहाँ पर जैसे कि लिखा है क्योंकि उन्होंने खुदावन को पहचानना नापसंद किया इसलिए खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें बस वो हर तरह की नाराजगी बदी लालच और बदखाही से भर गए बदखाही करने वाले और हसद और खून रेजी और झगड़े और मकारी और बुगत से मामूर हो गए और गिबत करने वाले लोगों के आ, लोगों की बातें करने वाले लोगों के सामने नहीं उनके पीछे बदगो बुरी बातें करने वाले खुदा की नज़र में नफ़रती औरों को बेज़त करने वाले गॉसिप में यही हम करते हैं ना औरतों और लोगों को दूसरों को हम आ, नीचा गिराने की कोशिश करते हैं उनको बेअत करने वाले मगरूर शेखीबाज बदियों के बानी माँ बाप के नाफरमान बेवकूफ़ अहद शिकन तबाही मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए हालांकि वो खुदा का हुक्म ये जानते हैं कि ऐसा करने वाले मौत की सजा के लायक हैं फिर भी नाफक वो आप ही ऐसे करते हैं ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं सो बड़ी ख़ूबसूरत सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर रोमियो के ख़त में हमें पालूस रसूल ने दे दी कि ये डिलिबरेट एक्शन है जो इंसान के मन में है कि उसने खुदावन की राहों को पहचानना नापसंद किया है खुदावन को पहचानना उसकी बातों पर अमल करना उसके पीछे चलना उसने नापसंद किया है इसलिए खुदा ने कहा कि ठीक है फिर आप अपनी राह पर चलो तो उनकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर फिर हमें बयान की गई है और उनमें से एक बात जो उनके अंदर पाई जाती है वो यही है कि वो आ, उनके दिलों में लोगों के लिए प्यार नहीं है इज्जत नहीं है वो उनको ऊंचा करने की बजाय उनको नीचा कराने की कोशिश करते रहते हैं उनकी बेइज्जती करने पर तुले रहते हैं और गॉसिप में यही होता है ना क्योंकि हम लोगों के खिलाफ ऐसी बातें करते हैं जो अक्सर तौर पर हकीक़त पर मबनी भी नहीं होती लेकिन हम अपने बस मज़े की खातर आ, उसको खूब ऐसे बना आ, बना चढ़ा कर हम पेश करते हैं और लोगों को हम इस तरह से नीचा दिखाते हैं सो so, डेफिनेशन अगर देखी जाए गौसेप की तो क्या होती है रैंडम हाउस कॉलेज डिक्शनरी में लिखा है आइडल टॉक और रूमर स्पेशली अबाउट द पर्सन पर्सनल और प्राइवेट अफेयर्स ऑफ अर्दस ये है गौसप लोगों के बारे में ऐसी कोई गलत अफवाह उड़ा देनी और स्पेशली उनकी जो पर्सनल बातें होती हैं फैमिली की बातें होती हैं बच्चों की घर की बातें होती हैं उनको उछालना ये है गौसप और हम मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर जानते ही हैं क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं जहाँ पर यह अक्सर देखने में आता है आज खुदा के वचन में हमें फिर याद कराया जाता है कि ना सिर्फ ये एक हल्की सी बात थी बल्कि खुदावंद के हजूर एक बड़ी गंभीर और बड़ी सीरियस बात भी थी खुदावन के वचन में इसके बारे में हुक्म दिया गया था और हुक्म देखें क्या था आ, अगर आप अहबार की किताब देखें तो उसके हमें नाइनटीन चैप्टर में सोलहवीं आयत में लिखा है यहाँ पर ये हुक्म हैं छोटे छोटे हुक्म दिए गए थे ना तो अपनी कौम तू तो अपनी कौम में इधर उधर लुतरापन ना करते फिरना और ना अपने हमसाया का खून करने पर आमादा होना मैं खुदावंद हूं तू तो अपने दिल में अपने भाई से बोझ ना रखना और अपने हमसाया को जरूर डांटते भी रहना ताकि उसके सबब से तेरे सर गुनाह ना लगे सो कौम में इधर उधर तू लुतरापन ना करते फिरना दिस वॉज अ लॉ बन इसराइल को बताया गया था कि कुम अपने बहन भाइयों के लिए उनके खिलाफ दूसरे लोगों के सामने बातें ना करना हम देखते हैं बाबर मुकदस में याकूब के जो बेटे थे उनमें भी बड़ी राइवलरी थी बारह बेटों में हम देखते हैं कि हसद भी था बुगस भी थी और स्पेशली यूसफ़ के ख़िलाफ़ यूसुफ जिसको यकूब जो है बहुत प्यार किया करता था उसने उसको स्पेशल जो कोट बना के दिया था उसका सिग्निफिकेंट ये था कि वो ही अपने भाइयों में शायद सबसे बड़ा लीडर है या सरदार होगा या उनका राहबर होगा और बाइबल हमें बताती है कि ऐसा ही हुआ वो राइट था इस बात में क्योंकि यूसुफ के बारे में हम जानते हैं कि वो खुदा खुदा से डरने वाला था लेकिन एक बात उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये थी सैंतीस चैप्टर सैंतीस में थर्टी सेवन वर्स टू में और वो क्या है भला यूसुफ सत्रह बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियाँ चराया करता था ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिल्हा और ज़िल्फ़ा के बेटों के साथ रहता था और उनके बुरो बुरे कामों की ख़बर बाप तक पहुंचा देता था आ, ये भी हम कह सकते हैं कि गॉसिप तो थी लुतरापन तो है लेकिन यहाँ पर हम इसका मकसद एक और तरह से देख सकते हैं क्योंकि ये एक फैमिली अफेयर है और यूसुफ जो है अपने भाइयों के जो बुरे काम है ना उनकी ख़बर बाप को पहुँचाता था और बेह फिर भी हम इसका हवाला यहाँ पर देख सकते हैं कि बैड रिपोर्ट जो है ना सिलेंडर का मतलब होता है बैड रिपोर्ट किसी की बैड रिपोर्ट दे देना और यूसफ जिसके बारे में हम जानते हैं कि खुदाद की राहों पर चलने वाला था लेकिन वो अपने भाइयों की ये बुरी खबर जो है अपने बाप को पहुँचा दिया करता था तो आज हम देखते हैं कि बने इसराइल में बेशक क़ानून था कि तू अपनी कौम में इधर उधर लुतरापन ना करते फिर ना और इसके बावजूद हम देखते हैं कि आज की दुनिया में कितना आसान है वहाँ भी होता था ऐसे ही शायद वहाँ भी लोग मतलब अपनी कौम के जो साथ रहने वाले हैं हमसाए हैं पड़ोसी हैं दोस्त हैं या एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और मज़े मज़े से आ, अपना उनकी बातें जो वो बताते रहते हैं जैसे कि फ़लाँ जो फैमिली है वो कितने ग्रीडी हैं देखो मन्ना तो खुदाबंद रोज़ देता ही है लेकिन वो कितने लालच करके तो ज़्यादा ले जाते हैं मुझे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन उसका फ़ायदा क्या वो तो सब ख़त्म ही हो जाएगा सो इस तरह से हम उस अगर मंजर को देखें तो लोग एक दूसरे की गॉसिप जो है वो करते होंगे और आज जो है सिलेंडर या एक दूसरे की बदगोई करना ऐप गोई करना जो है ये एक आम सी बात पाई जाती है और इसकी वजह से हम देखते हैं कि कितने ही घरों में कितने ही दोस्तों में कितने ही रिश्तों में कितने ही तलाकात में कितनी ख़राबियाँ पैदा हुई क्योंकि कई दफ़ा ना हम वो क्लैरिफाई तो करते नहीं जो सुना गया है लेकिन वो हम फैलाते जाते हैं और जब लोगों को पता चलता है कि उनके बारे में किसी ने ये सोचा है ये कहा है तो वो रिश्ते जो हैं वो फिर बजाय खूबसूरत होने के वो घनोने और नापाक हो जाते हैं तो सलेंडर के बारे में क्या लिखा है ओनली डिफरेंस बिटवीन गॉसिप एंड सिलेंडर इज़ वन ऑफ द डिग्रीज सपोज यू वांट टू किल समन मोर देन वन वे टू डू इट टेक अ शॉर्ट कट वॉक राइट अप टू देअ फेस अनाउंस दैट यू गोइंग टू शूट दैम एंड देन ब्लो दैम अवे वे दै और यू कू टेक अ फायर विद द स्कोप

तो आज हम देखेंगे कि खुदा का बचन जो है हमें कैसे सिखाता है कि हम इस तरह की बातों से गुरेज कर सकें जैसे मैंने आपको बताया ना जीवन की बातें हमारी ज़िंदगी के एक एक शोबा से ताल्लक़ रखती हैं ये रेलिवेंट हैं खुदा का कलाम हमें हमारी ज़िंदगी में हर एक जो हमारी हैबिट है हर जो हमारा काम है हर जो पहलू है ज़िंदगी का उसके बारे में कुछ ना कुछ हदायत करता है तो पालूस रसूल जब इफ्सियों के नाम ख़त लिखते हैं चौथे बाब में वो इस तरह से हमें बताते हैं ट्वेंटी नाइन्थ पर्स में कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले बल्कि वही जो ज़रूरत के मुआफ़िक तरक्की के लिए अच्छी हो ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो से कॉन्ट इवन इमेजिन टेकिंग अ थिंग आउट ऑफ माउथ विच इज़ नॉट राइट नापाक बात किसी की किसी की बात जूठी बात भी हो सकती है और शायद अगर सच्ची भी है लेकिन हर्टफुल है तो कहते हैं कि ऐसी बात ना करो बल्कि ऐसी बात करो जो अच्छी है और जिसके सुनने से लोगों पर फजल आ जाता है बींग ग्रेशियस ब्रिंग ग्रेस आफकार अपॉन द पीपल क्योंकि ये खुदा की वर्चू है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जब हम ग्रेशियस होते हैं लोगों के लिए तो खुदाम का फ़ज़ल जो है हमारे हमारी कॉन्वर्सेशन में हमारे रिश्तों में छा जाता है तो कहते हैं कि उससे सुनने वालों पर फ़जल हो जाए एक और बात उन्होंने प्रैक्टिकली फिलिपियों के ख़त में आ, जब उन्होंने लिखा फ़िलिपाई की कलीसिया को तो चौथे बाप की आठवीं आयत में उन्होंने कहा गर्स आए भाइयों जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफ़त की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो ना दैशवारी और जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं और सुनी हैं और हासिल की हैं और मुझ में देखी हैं उन पर अमल किया करो तो कहते ऐसा करोगे तो खुदा का इतमिन जो समझ से बिल्कुल बाहर है खुदा जो इतमान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा सी इफ़ वी नो दैट गॉड इज़ विद अगर उसकी हजूरी में हम रहने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं कि कैसे ये तजर्बा करें कि हम उसके साय के नीचे उसकी डायरेक्शन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर वो कहता है कि ऐसी बातों पर गौर किया करो जो अच्छी हैं लोगों को उभारने वाली हैं लोगों की इनक्रेजमेंट और उनकी बेहतरी के लिए हैं बजाय उनको नीचा कराने के लिए उनके बारे में बुरा भला कहने के लिए ये दुनिया कितनी फ़र्क हो जाए कितनी फ़र्क हो जाए अगर आज हम इस तरह की बातें अपनाएं और कोशिश करें कि जो बात भी मेरे मुंह से निकलेगी वो किसी को हर्ट नहीं करेगी नापाक नहीं होगी बुराई नहीं करेगी किसी को किसी को नीचा नहीं करेगी तो दिस विल अ डिफरेंट वर्ल्ड अगर आप ये सब कुछ जानते हैं तो फिर इसको कोशिश करने की, इसको कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में अपना आए हम बजाय इसके कि जब हमें कुछ पता लग जाए किसी के लिए उसको हम उछालना शुरू कर दें हम उसको अपने दिल में रखें उन लोगों के लिए दुआ करें जिन पर यह सब कुछ हुआ है किसी ने कहा गावसब के बारे में Or wo it's like a gem of the day people of high intelligence talk about ideas people of average intelligence talk about things people of no intelligence talk about other people where are you in the lineup up? kahan and landers apna column likhti gem of the day में. उन्होंने ये ख़ूबसूरत बात हमारे सामने रखी है कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो मुख्तफ़ आइडियाज़ के बारे में बातचीत करते हैं और जो एवरेज इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो चीज़ों के बारे में बात करते हैं मौसम के बारे में बात कर लिए ट्रेंड के बारे में पॉलिटिक्स के बारे में लेकिन जो कहते हैं कि पीपल ऑफ़ नो इंटेलिजेंस जिनके पास इंटेलिजेंस नहीं ना होती वो फिर लोगों के बारे में बातें करते हैं वो दूसरे लोगों को नीचा दिखा कर अपने आप को ज़्यादा होशियार और काबिल बनाने की कोशिश करते हैं so, सो कुछ प्रैक्टिकल बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम कैसे ये जो पाप पाप ही है एक तरह से ये आदत नहीं है सिर्फ ये पाप है क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर आप किसी को पागल कहते हैं ना किसी को बुरा कहते हैं तो आप उसको जैसे मर्डर कर रहे हैं और हम मेरा ख्याल है कि ये महावरतन भी यही कहते हैं कि हम करैक्टर असैसिनेशन किसी को हम उसकी करदार कशी करते हुए उनको एक तरह से हम हलाक कर रहे हैं सजा दे रहे हैं तो इफ़ यू डोंट से समथिंग गुड अबाउट समथिंग समवन से नथिंग अगर आपके पास कुछ नहीं किसी के बारे में अच्छा कहने के लिए तो फिर कुछ भी ना कहो रोमियो बारह दस में लिखा है फिर हमें याद रखना चाहिए जैसे कि पहली वर्ष हमने देखी प्रॉब्स एलेवन थर्टीन में कि जो प्राइवेट मैटर्स होते हैं ना अगर राज की बातें तो उनको राज ही रहने दें हमें उनको उछालने की लोगों के सामने पब्लिकली लाने की ज़रूरत नहीं जब तक वो लोग जिनके ये राज हैं वो ख़ुद लोगों को ना बताना चाहें तो वॉच आउट फॉर द प्लेस एंड सिचुएशंस वेयर गॉसिप इज़ लाइकली टू हैपन अगर आपको पता है ना कि एक हल्का है जहाँ पर हम गए तो ज़रूर ऐप जो ही होएगी लोगों की गासप जो है लोगों के बारे में बातचीत होगी जैसे फ्रेंड्स हैं या फैमिली डिनर टेबल है या लाइफ सपोर्ट ग्रुप्स जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ बांटते हैं कंसर्नस और चर्च में भी हो सकता है या गुरुद्वारा में या टैंपल्स में या वेरावर वी गैदर टुगेदर या पार्कस में जब हम मिलके बैठते हैं तो बजाय इसके कि अच्छी बातों के बारे में बातें करें हम लोगों के बारे में बात करते हैं बी कंस्ट्रक्टिव हाउ यू कैन हीपल जो लोग इस तरह की आदत में होते हैं आप उनको बहुत प्यार से कह दें कि मेरे बहन भाई हम वेरी अनकम्फर्टेबल आम फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर आप ये भी उनको कह सकते हैं कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि आपने उससे जाकर खुद पूछा कि क्या सच है बाइबल में ये लिखा है ना कि अगर कोई ऐसी बात है तो आप जाओ उनके साथ जाकर बात करो और फिर आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि मैं जो बात किसी के लिए करने वाला हूँ दूसरों के साथ क्या वो कहीं गॉसिप तो नहीं ये कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं और फिर बाइबल की बात याद रखें कि कोई ऐसी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले जो वो किसी को हर्ट करे बल्कि ऐसी बात हो जिससे लोगों की तरक्की हो आए ऐसे लोग बन जाएं जो अच्छी बातें करते हैं लोगों को बिल्डअप करने के लिए बजाय इसके कि हम गॉसिप करते हैं लोगों को डिस्ट्रक्ट करने के लिए उनको तबाह करने के लिए ठीक है